Right. वेदा के सामने सुमन और ठाकुर के छोटे बेटे भानु सिंह खड़े थे। दोनों की आंखें मिल रही थी। जहां पर भानुज एक हिरण को मारने आया था, वहीं पर सुमन उस हिरण को बचा रही थी। किसी तरह भानुज का हृदय परिवर्तन हुआ और इसी बीच भानुज को प्यार हो गया सुमन से। वेदा अभी वहीं पर खड़े ये सोच रहे थे कि जैसा सब कह रहे हैं और जैसे इस कहानी में था कि सुमन काला जादू करती थी और उसने भानुज पर वशीकरण करके उसे अपने कब्जे में किया, पर ऐसा तो वेदा को दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनके मन में ये सवाल चल ही रहा था कि एकदम से पन्ना पलटा और वेदा सीधा ठाकुर की हवेली यानी उसी मेंशन में पहुंचे। वहां पर ठाकुर बैठे हुए थे, बाकी सब खड़े थे और भानुज के लिए रिश्ता आया हुआ था जिसे भानुज मना कर रहा था क्योंकि उसे प्यार हो गया था किसी और से। और जब ठाकुर के परिवार को यह पता चला कि भानुज को प्यार हो गया है, वो भी उस बच्चा सुमन से, तब उनका खून खौलने लगा। नालायक, तूने मेरा ना सोचा होता, हमारी शान का ना सोचा होता, कम से कम अपने इस राजपुताना खून का तो सोच लेता जो तेरे इन नसों में दौड़ रहा है। एक बच्चा लड़की को तो हमारे घर की बहू बनाना चाहता है, ये मेरे जीते जी कभी भी नहीं हो सकता। और एक बात तू समझ ले, जितना जल्दी हो सके उसे भूल जा। सरिता, समझाओ इसे। इतना बोल ठाकुर वहां से चले गए, जिस पर सरिता यानी कि भानुज की माँ उसे समझाने लगी कि उस बच्चा लड़की से दूर रहे, उसका पीछा छोड़ दे, पर भानुज का दिल मान नहीं रहा था। वो अक्सर जंगल में जाया करता, छुपकर सुमन को देखता जो दिन भर जानवरों की सेवा करती, घायल जानवरों पर मरहम लगाती, उन्हें खाना खिलाती, यहाँ तक कि जो खूंखार जानवर होते जैसे शेर, भेड़िये, चीता, ये सब भी सुमन के पास आते, जिन्हें सुमन प्यार से सहलाती थी, उनसे बातें करती थी। ऐसा लगता था कि वो जंगल की रानी है। उसकी सादगी, उसकी सुंदरता और उसकी मीठी बोली भानुज के दिल पर वार कर रही थी। भानुज का दिल उस पर आ चुका था, वो उसे पागलों की तरह प्यार करने लग गया था। इसी बीच कई बार ठाकुर ने सुमन को मरवाने के लिए आदमी भेजे, पर उन जानवरों ने उसकी रक्षा करी। और इसी बीच एक और चीज थी जो सुमन की रक्षा कर रही थी। पन्ने एक एक करके पलटने लगे, जहां पर वेदा देखते हैं कि कैसे भानुज और सुमन एक दूसरे के करीब आए, जहां अब वो दोनों जानवरों की सेवा करते, उनसे खेलते, उनका ख्याल रखते। और इसी बीच सुमन को भी भानुज से प्यार हो गया। और प्यार होता कैसे ना, भानुज को भी जानवरों से लगाव होने लगा था जैसे सुमन को था, तो उसमें सुमन को कहीं ना कहीं अपनापन महसूस हुआ और इसी अपनेपन की फीलिंग ने प्यार का रूप ले लिया। और इस प्यार की हदें तब पार हो गई जब भानुज को सुमन ने यह बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर भानुज तो बहुत खुश हुआ, पर उसके पिता को जब यह पता चला तो उनका कहना था, बस हो गया तेरा शौक पूरा, अब छोड़ दे उसे, एक लड़की का रिश्ता आया है, बहुत ऊंचा परिवार है उनका, शादी कर ले उससे। ये सुन भानुज बिल्कुल हैरान हो गया कि उसके पिता ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उसे छोड़ दे। सुमन उसका कोई शौक नहीं थी जो पूरा हो गया, सुमन उसका प्यार है। भानुज ने शादी तो कर ली, पर सुमन से। उसी शाम मंदिर में जाकर उन्होंने शादी करी और सुमन को वो दुल्हन बनाकर हवेली में लेकर आया। वेदा ये सब होते हुए देख रहे थे, उनके सामने तो जैसे पूरी एक फिल्म चल रही थी। और इसी के साथ साथ उन्हें सच्चाई पता लगने लग गई थी उस मेंशन की और ठाकुर परिवार की, जहां पर सुमन को काला जादू करने वाला बताया जा रहा था, वहीं पर बात तो कुछ और ही थी। और शायद ये किताब थी इस कहानी को बताने के लिए, ताकि सुमन की सच्चाई पता चल सके। खैर, जैसे ही सुमन बहू बनकर हवेली में आई, ठाकुर ने खींचकर भानुज को थप्पड़ मारा। और ये पहली बार था
जब ठाकुर ने भानुज पर हाथ उठाया। भानुज उनका सबसे लाडला और दुलारा बेटा था, जिस पर उन्होंने आज तक कभी भी हाथ नहीं उठाया था, यहां तक कि ऊंची आवाज में उससे बात भी नहीं करी थी। पर सुमन की वजह से वो मजबूर हो गए थे उस पर हाथ उठाने के लिए। उसके बड़े भाई ने भी इसका पूरा विरोध किया और पूरा परिवार सुमन के खिलाफ हो गया। सबको लग रहा था कि बच्चात ने काला जादू करके भानुज को अपने मोहजाल में फंसा लिया और गर्भवती होकर आ गई है इस हवेली पर राज करने। अब आ गई थी तो कुछ वो कर भी नहीं सकते थे, बेमन से ही सही, पर उन्होंने सुमन को स्वीकारा। पर इसी के साथ साथ उसका बच्चा गिराने की कोशिश करते रहे, कभी खाने में जहर देते, कभी सीढ़ी से धक्का दे देते, और जब भी ऐसा कुछ होता सुमन की जान जाने वाली होती। उसके बदले में उस छत पर एक कौवा आकर मर जाता। कहीं ना कहीं कोई ऐसा था, कोई ऐसी ताकत थी जो सुमन को बचा रही थी। वो ताकत ऐसी थी कि मौत को चकमा दे देती थी और सुमन के बदले कौवे का बलिदान दे दिया जाता था, जो उस मेंशन की छत पर आकर मरते। सुमन को भी नहीं पता था। खैर, परिवार वाले समझ गए कि सुमन ऐसे नहीं मरेगी, वो काला जादू से बचती जा रही है। और वहीं भानुज को इसकी ज्यादा खबर नहीं थी। सुमन ने घर में कभी भी कोई गलती नहीं की, वो सबको अपना मानकर चलती। सुबह सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करती, पर ठाकुर ने उसका पूजा पाठ करना भी बंद करवा दिया और उसको मंदिर में वो जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो पतजात थी। रसोई में वो सबसे पहले सबका खाना बना देती और बाहर पशुओं को भी प्यार से खाना खिलाती। पर ठाकुर के परिवार ने सुमन के हाथ का बना खाना खाया ही नहीं, वो उसे ऐसे नकार देते कि जैसे वो कचरा हो। उस हवेली में सुमन का पूरा बहिष्कार किया जा रहा था, पर वो पागल रोज खाना बनाती, कोई ना खाता उसे बाहर फेंक दिया जाता। सुमन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो सबको अपना बना ले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भानुज भी अब सुमन की साइड से लड़ नहीं पा रहा था और वो भी अब सुमन से सवाल पूछने लगा कि तुम बता दो तुम्हारे पिता कौन है, ताकि बच्चात का दाग हट जाए। पर सुमन को सच में नहीं पता था कि उसके पिता कौन है। उसकी माँ भी उसकी तरह जंगल में ज्यादातर रहती थी और जानवरों की सेवा करती थी। उसी बीच उसका जन्म हो गया। उसे आज तक नहीं पता कि उसके पिता है कौन। और जब वो छोटी थी तो उसकी माँ गुजर गई थी, जिस पर एक बार तो भानुज ने भी उसे गुस्से में बच्चात कह दिया। सुमन अंदर से टूट गई, जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके प्यार की निशानी उसके पेट में है, उसने उसे बच्चात कह दिया। उसके मन में यह चलने लगा कि आज ये मुझे बच्चात बोल रहे हैं तो कल को उसके बच्चे को बोलेंगे। इसके लिए वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है। उसने मारना तो चाहा, पर शायद ये किसी और को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपने बच्चे को जैसे ही मारने लगती एक कौवा छत पर आकर मर जाता और उसकी मौत टल जाती। मतलब कोई ना कोई तो एंटिटी थी जो सुमन को और उसके बच्चे को बचाने में लगी हुई थी। चीजें बढ़ने लगी। अब बच्चे की डिलीवरी का समय आया, भानुज उसे लेकर गया और बच्चा भी हुआ। भानुज और सुमन बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक सुंदर सी लड़की हुई थी। भानुज अपनी बच्ची और सुमन को लेकर घर पहुंचा और सबको बताने लगा कि उसे लड़की हुई है। भानुज को और सुमन को यह लगता था कि शायद जब बच्चा हो जाएगा तो उनका परिवार उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, उनकी सोच बदल जाएगी। पर हुआ उल्टा। ए क्या, एक तो बच्चा तो लेकर आया, ऊपर से पैदा क्या किया, लड़की। अगर हमें बताया होता ना तो हम इसको मरवा देते, कम से कम लड़का तो दे देती एक। तू तो हमारे परिवार को कोई खुशी दे ही नहीं सकती, बच्चात कहीं की। भानुज, अभी भी वक्त है, इस बच्चात को और इसकी बच्ची को जंगल में छोड़ा जहां से आई थी। हम तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ देंगे, और ऐसी लड़की जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे खून को आगे तक लेकर जाए। भानुज मन से टूट गया, वो कुछ न बोला और कमरे में चला गया। सुमन भी उसके पीछे पीछे गई, पर भानुज अब सुमन से भी बात नहीं कर रहा था।
वो काफी हताश हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं सुमन को लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। उसकी बेटी हुई वो खुश थी, पर घर वाले नहीं, यहां तक कि उसका पति भी नहीं। बाहर जो उसके जानवर थे वो सब उसकी बेटी को देखकर काफी खुश लग रहे थे और वो उसके साथ समय बिताती, पर जैसे ही घर आती तो घर वाले ताने देते, तंज कसते। बस अब बहुत हो गया, सुमन मन में ठान लेती है कि अब उसे जिंदा नहीं रहना। उसने खुद को मारने की लगातार कोशिश करी। वो अपने पेट पर चाकू से बार बार वार करती, पर जितनी बार वो वार करती उतनी बार छत पर आकर कौवा मर जाता और इस तरह उनके छत पर मरे हुए कौवों का ढेर लग गया। वो सोचने लगी कि अगर ऐसे ही होता रहा तो वो मरेगी कैसे, कि तभी एक आवाज आई। बेटी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। जिस पर रोते हुए सुमन बोली, अगर प्यारी हूं तो क्यों देख रहे हो मुझे इस हालत में? कभी बचाने क्यों नहीं आए? बचपन से मैंने कितना कुछ सहा, ताने सुने, पर फिर भी जीती रही। पर आज देख लो मेरी हालत, मुझे मरने दो या मुझे ले जाओ यहां से, बस। उसने रोते रोते हुंकार लगाई। वेदा ये सब देख रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि अब यहां पर क्या होने वाला। एकदम से पन्ना पलटा और जो वेदा ने सोचा वही हुआ।